हम यहाँ बेगम बाजार में पधारे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, आप सबको, आप सबके तरफ से हम उनको धन्यवाद कहते हैं। राजस्थान से यहाँ तक हमारी जोश भरने आए हैं। हमारे यादव भाई को हमारा नमस्कार। आपका सहयोग हमें चाहिए। अब की बार हम हैदराबाद जीतकर 400 पार कर देंगे। जय बोलो भारत माता की, जय बोलो भारत माता की, जय बोलो भारत माता की, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को स्वागत है जी, स्वागत है। अजल लाल जी का स्वागत है। फिर एक बार अब की बार हमारे बेगम बाजार माली समाज से भूतपूर्व अध्यक्ष श्री बलदेव राम जी भाटी, श्री कच्छावा जी एवं सुखराम जी पवार एवं हमारे कुल सवारी बेगम बाजार क्षेत्र के सभी मारवाड़ी बहनों का, राजस्थानी समाज का हार्दिक आभार, जो आज भारी मात्रा में स्वागत के लिए उपस्थित हुए। जय श्री राम। आने वाली 13 तारीख के दिन दो नंबर क्रमांक संख्या 2 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहन माधवी लता जी को दो नंबर कमल के निशान को वोट देकर, भारी मात्रा में वोट देकर हमें विजय कराना है। भारत माता की। विशाल थोड़ा आगे आ जाइए, सभी जो पीछे गाड़ी के उनसे भी निवेदन, थोड़ा आगे आ जाइए। बेगम बाजार की धरा पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहन माधवी लता जी के समर्थन में हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से पूरे भारतवर्ष की फायर ब्रांड प्रत्याशी माधवी लता जी को भारी बहुमत से मतदान कर 13 मई के दिन कमल के निशान को वोट कर भारी रूप से मतदान कर हमें विजय बनाना है। यह पहली बार हुआ कि इस बेगम बाजार की धरा पर वर्तमान में मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री हम सबके बीच पधारे हैं और इसी बात को हमें सिद्ध करना है कि हम सभी बेगम बाजार भाग्यनगर की धरा पर राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों और मेरी माताओं जो ऊपर घर से देख रही है, ये आपका बड़ा आशीर्वाद है, आपका प्रेम है कि आप इस मिट्टी से आए हुए हर एक को प्यार देते हैं, यहाँ पर कारोबार भी देते हैं। आप सबको हाथ जोड़ करके श्री भजन लाल जी जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री है, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। अभी बारिश खत्म हुई है और लेकिन आपकी फूलों की बारिश नहीं खत्म हो रही। यहाँ के पार्षद फ्लोर लीडर शंकर यादव, महेश्वरी समाज के मंच पर उपस्थान में सभी भाइयों को मैं धन्यवाद कहता हूँ। 2-3 घंटे से बरसात में भी आप हमारा इंतजार कर रहे, इसलिए हम लोग बहुत आभारी हूँ। मैं महेश्वरी समाज के सभी कार्यकर्ताओं को, भाइयों को हमारे माधवी लता के तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आज अपने राजस्थान से जो मुख्यमंत्री आई है उनका जो स्वागत आप कर रहे हैं और आज अपने बेगम बाजार के लोग बहुत आभारी करते हैं। महेश्वरी समाज हैदराबाद सिकंदराबाद के हमारे लक्ष्मी नारायण जी राठी, हमारे उदयभान जी, घनश्याम जी राठी एवं सभी ताराचंद जी टाक एवं सभी महेश्वरी समाज हैदराबाद सिकंदराबाद का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने जो उन्होंने बहुत ही स्वागत का बहुत ही बढ़िया प्रबंधन किया है। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा आज हम सबके बीच
मिनी राजस्थान में पधारे हैं और भाई साहब ने तो यहाँ तक ये कह दिया कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं हैदराबाद आया हूँ। बैतूल, जयपुर, नागौर, जोधपुर कहीं हूँ ऐसा लग रहा है। भाई साहब ने ऐसा कहा है, कल से जब से भाई साहब आए हैं तो पूरे राजस्थानी समाज में एक लहर उमल पड़ी है। कश्मीर हाउस, कांगानी हाउस, एन अस्तीमल, सुनील पेरिस, उपी चंदन पेरिस, मुकुंदा पेरिस, सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही भव्य स्वागत राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा का। भाइयों जी सांगला, तंबाल राम वल्लभ, राजस्थानी सैनिक क्षत्रिय माली समाज, राजस्थानी सैनिक क्षत्रिय माली समाज द्वारा बहुत ही बढ़िया स्वागत मंच सजाया गया है। आदरणीय श्री राम वल्लभ जी भाटी जी द्वारा एवं राजेंद्र जी गहलोत डीसी मंच पर राजस्थानी सैनिक क्षत्रिय माली समाज द्वारा बहुत ही सुंदर मंच सजाया गया है और आप राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा जी के स्वागत के लिए बहुत ही बढ़िया मंच राजस्थानी सैनिक क्षत्रिय माली समाज द्वारा और एवं भवानी मार्केट के भी हमारे सभी व्यापारीगणों का बहुत बहुत आभार जो आज बहन माधवी लता जी के समर्थन में आयोजित इस भव्य रोड शो में उपस्थित हुए हैं। हमारे भाई मनोज जी का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे अध्यक्ष श्री राम वल्लभ जी भाटी जी, हमारे अध्यक्ष राम वल्लभ जी भाटी जी यहाँ मंच पर पधारे हैं। माली समाज सैनिक क्षत्रिय माली समाज के अध्यक्ष आदरणीय श्री राम वल्लभ जी भाटी जी हम सब के बीच पधारे हैं स्वागत करने के लिए। से माली सैनी समाज ने स्वागत किया है मैं भाटी जी को। हमारे राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत जी यहाँ आए हुए हैं। मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुरुषोत्तम जी मारोटिया, नीलेश जी मारोटिया, जिनका महीने में चार बार राजस्थान प्रवास होता है तो वो मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने पधारे हैं। वो सालासर बालाजी के अनन्य भक्त है और रेगुलर विजिट होती है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कल ये बात कह दी कि प्रवासियों के लिए राजस्थान के हर मंदिर में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी और प्रवासियों की संपत्ति को भी सुरक्षा मिलेगी राजस्थान में। आकाश ट्रेडिंग कंपनी, मोहनलाल, मनोज कुमार, छोड़ीलाल, बजरंगलाल, हनुमान जी देवड़ा, कुशल जी देवड़ा, महेंद्र जी देवड़ा का भी बहुत बहुत आभार। सत्यनारायण कंफेक्शनरी, नुकल ओम प्रकाश मुरली, राम रक्षा नारायण बजाज एवं सभी का हार्दिक 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 आभार। बहुत भव्य स्वागत आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई श्री भजन लाल जी का बेगम बाजार भाग्यनगर की पावन धरा पर। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। गाड़ी को आगे लेने दे, जल्दी से जल्दी राम को आगे ले। शिंदा सोनलाल, हजारीमल सोनलाल, श्री किशन सत्यनारायण सांकला का भी बहुत बहुत आभार। राजेंद्र जी पवार, चिमनलाल जी पवार और हमारे मायल जी भाटी, घनश्याम जी भाटी एवं हमारे अरुण जी सांकला। एक मिनट, आपको एक बात के मोदी जी है क्या जी, किसी ने पहचाना आज तक? मोदी जी जब बोल रहे हैं 2047 में भारत देश नंबर वन नंबर थ्री बनेगा, संपन्न देश बनेगा, तो बनेगा क्यों? कि उस समय भी लोग बोलते थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री बनते के साथ ही ये कहा था कि जन धन खाता खोलिए, तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये जन धन खाता क्या है। लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही जन धन खाता खुला, गरीबों के अकाउंट में बिना हेरा फेरी के, बिना कमीशन के, बिना तकलीफ के गरीबों को फायदा हुआ। और जब उन्होंने एक नारा दूसरा दिया उसी वक्त कि जो दे सकते हैं अपनी सब्सिडी, वो जो छोड़ सकते हैं सब्सिडी छोड़ दो गैस से, 2 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, तो सरकार की तरफ से 11 करोड़ लोगों गरीब लोगों को फायदा हुआ। तो जब वो कहते हैं तो करते हैं, बाकी पड़ोसी देश से वो लड़ने वाले नहीं है, वो लड़ने के लायक ही नहीं रखा उसको, लड़ने के लायक ही नहीं रखा उनको, तो उससे क्या लड़ना है और मतलब नहीं है। आप सब लोग इतने बरसात में भी यहाँ पर रहे और आपने उत्साह से, जोश से सभी कार्यकर्ताओं को
सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी एसोसिएशन के लोगों को, और भूल चूक हो जाए उनको, पुलिस वालों को, अखबार वालों को, टीवी वालों को मैं धन्यवाद देते हुए बहन माधवी लता से निवेदन करता हूँ कि वो संबोधित करें। अभी दो मिनट बात करें। बेगम बाजार के सारे राजस्थान भाइयों को कम्मा गणी, और मेरे यादव भाइयों को भी नमस्कार प्रणाम। आज हम सब जानते हैं कि राजस्थान हैदराबाद का भी शान है, राजस्थान का पगड़ी हैदराबाद का भी पगड़ी है। हम भूल नहीं सकते किस प्रकार से सारा बेगम बाजार राजस्थान वालों से, रोशनी से यहाँ जगमगाती है। ये बेगम बाजार कई यादव भाइयों और राजस्थान से आए हुए भाइयों के वजह से ही आर्थिक रूप में आज भी स्थिर है। ये 40 सालों से कई तकलीफों का सामना किया है, 40 सालों से इनको किसी प्रकार का मदद नहीं मिला है, 40 सालों से ये लड़ते रहे हैं, लेकिन सनातन भी थे ये लोग और हैं और रहेंगे। ये तो राजस्थान भाइयों का ये ऐसी शान है, एक ही हिम्मत है कि वो कितने भी तकलीफें आने के बावजूद भी ऐसे कई त्योहारों के वजह से इन्होंने यहाँ सनातन धर्म को स्थापित किया है और आगे भी ले जा रहे हैं। भाइयों, हैदराबाद पार्लियामेंट 40 सालों से कीचड़ बन गया है, इस कीचड़ से अगर बाहर निकालना है और निकलना भी है तो केवल ही केवल इस क्षमता एक कमल को ही है, कमल ही उग सकता है इस कीचड़ से। आज हमारे बीच हमारे प्रियतम नेता, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आए हुए हैं। हम उनसे विनम्रता से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हम सबको संबोधित करें और हम में जोश भरे ताकि हम इस जीत को जीत कर हमारे मोदी भाई को तोहफे में दे दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। ताकत से लगना चाहिए कोई बेगम बाजार में कार्यक्रम हो रहा है, राजस्थान के लोग आवाज जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। मंच पर विराजमान पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय राठौर साहब, सम्माननीय हमारे पार्षद यादव जी, और आपकी अपनी इस लोकसभा की हमारी प्रत्याशी बहन माधवी लता जी, मेरे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं और मेरे राजस्थान की आन बान शान, ये मेरे राजस्थान के बाचे सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आप महाराणा प्रताप की धरती से आते हो, आपको पता है कि हमें क्या करना है, आप उस शक्ति और भक्ति की धरती से आते हो, आप महाराजा सूरजमल की धरती से आते हो, आप हमारी माताएं अगर देखेंगे त्याग की मूर्ति पन्ना धायक की धरती से आते हो, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती से आते हो, और जिन्होंने अपने आप को पर्यावरण के लिए नौछावर कर दिया ऐसी माँ अमृता देवी की धरती से आप आते हो। मुझे पता है अभी अभी आपने 4.5 महीने पहले राजस्थान में उस कांग्रेस के कुराज को मिटा करके फेंकने वाले आप सभी मेरे भाई और बहन हैं, आपने उस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ फेंका और बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताया, इसके लिए मैं मेरे सभी राजस्थान भाइयों को बहुत 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 धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, हैदराबाद में आप अपनी ताकत के साथ अपने
कर्म के साथ और अपनी मेहनत के साथ और अपनी ईमानदारी के साथ आपने कोई 100 वर्ष से, कोई 150 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से आप यहाँ आए हुए हैं। आपने अपनी मेहनत से स्थान बनाया है। क्या इन पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहते हैं ना, जहां नहीं पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचेगा मारवाड़ी, है ना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और मैं यह जिम्मेदारी आपको भी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा मारवाड़ी भाई 1 के 4 और 4 के 5 और 5 के 6 करना जानता है और वो करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी भाइयों से, मित्रों, 13 तारीख को मुझे आपके संपर्क भी पता है, मुझे आप 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8 कैसे करोगे ये भी मुझे पता है। मैं आपको जानता हूं, आपके मेहनत को जानता हूं और आपकी ताकत को भी मैं जानता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कल मैंने कुछ बातें मेरे प्रवासी सम्मेलन के अंदर आपसे कही थी, आप निश्चिंत रहिए, राजस्थान में आपने एक ऐसी सरकार चुनी है कि वहां भी आपकी हर बात का ख्याल रखा जाएगा, आपका ध्यान रखा जाएगा। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप जुटिए और 13 तारीख को ये मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि हमको 1 के 4 और 4 का 6 करना है। आपका संपर्क इतना बड़ा है पूरे हैदराबाद के अंदर, जो लोग सोचते हैं ना ये उनकी तरफ है, मुझे पता है राजस्थानी भाई कैसे करेंगे, वो भी अपनी तरफ आएंगे, ये मुझे आपका विश्वास है, आपका विश्वास है। मैं तो मैं कहना चाहता हूं कि हैदराबाद की सीट अगर आपने जीती तो मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी बात हम सब के लिए होगी और आपका सम्मान भी 10 गुना बढ़ेगा, 10 गुना बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ऐसे थोड़ी है। आज हमने देखा है हम राष्ट्रवादी लोग हैं, आप सब हम देखते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद जो देश के अंदर परिवर्तन लाए हैं, आप देखते हो ये लोग किस तरह से बोलते थे, किस तरह की भाषा इनके मुंह से निकलती थी। आए दिन कहीं ना कहीं आतंकवादी बम विस्फोट करके चले जाते थे, किसी रेलवे स्टेशन को निशाना बनाते थे तो कभी बस स्टैंड को निशाना बनाते थे। 2014 के बाद कोई देखा है क्या? अरे कोई हुआ है क्या? अरे बताओ तो सही, कोई हुआ है क्या? अगर गलती की तो अंदर घुस में जाकर के मारा है क्या नहीं मारा? अंदर घुस के मारा है क्या नहीं मारा? अरे आप तो राजस्थानी है, महाराणा प्रताप की शक्ति आपके अंदर है, मीराबाई की भक्ति आपके अंदर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, ताकत से लगना है, एक एक व्यक्ति को लगना है और इसकी गूंज जब मेरा माधवी लता जी जीतेंगे ना, इसकी गूंज राजस्थान तक जाएगी, राजस्थान तक जाएगी। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, थोड़ा खड़िए, अब खड़े हुइए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने स्वाभिमान को पहचानिए। हम उनकी संतान है जिन्होंने पराधीनता स्वीकार नहीं की, घास की रोटी स्वीकार कर ली। हम उस धरती के लोग हैं, हम उस प्रदेश से आते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों कि हम ताकत के साथ लगना है। और हमारी बहन, मुझे पता है ये कितना सामाजिक कार्य करती है, सनातन के लिए आप कितना लड़ती है, गौशाला के लिए आप कितना काम करती है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, ये माधवी बहन हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। इतना ही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, उस दिन 13 तारीख को पूर्ण रूप से 7 बजे पहले मतदान और उसके बाद, पहले मतदान और उसके बाद हमें, जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा
4 जून को होली और दिवाली एक साथ मनेगी। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हम दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। आज हम आर्थिक दृष्टि से 11वें पायदान से 5वें पायदान पर आए हैं, आने वाले 2 साल में हम 3रे पर जाएंगे और आने वाले समय में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, वो सदी भारत की होगी। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी लोग 13 को, क्योंकि आपको मैं कहना चाहता हूँ, बारिश हुई थी और जैसे ही समापन हुआ तो भी इंद्र देवता की कृपा आपके ऊपर हो रही है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप सभी लोग ताकत से काम करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की वंदे वंदे जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।